अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी रचना कोरी का टिकट कटने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई। साथ ही सपा के जिला अध्यक्ष उमाशंकर मिश्र ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी मंगेशवर शरण सिंह के लिए उनके समर्थक जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेठी के गौरीगंज कलेक्ट्रेट में चुनाव के मद्देनजर पेशकों ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। अमेठी जिले के भादर ब्लॉक के लोगों ने पीपरपुर रेलवे क्रॉसिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जनता का कहना है कि क्रॉसिंग नहीं तो वोट नहीं। अमेठी में खराब सड़कों को लेकर ग्रामीणों से तहसीलदार के निर्देश पर राजस्व कर्मी ने बातचीत की। इस दौरान मतदान का बहिष्कार कर रहे लोगों से वोट करने की अपील की गई। अयोध्या में नामांकन के पांचवें दिन बीकापुर विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी के अरविंद मिश्रा और मिल्कीपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के हर्षवर्धन कोरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अयोध्या में गोसाईगंज विधानसभा के राजू इंटर कॉलेज में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मंच से जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अयोध्या में राम निहाल निषाद अपने समर्थकों के साथ बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। गाजीपुर के जखनिया विधानसभा में नाराज सपा समर्थकों ने बीडी राम का पुतला फूका और विरोध प्रदर्शन भी किया। बलरामपुर के गैसरी विकासखंड के पीपरा दुर्गा नगर गांव में मतदान केंद्र बनाए गए। केंद्रों पर जाने वाली खराब सड़कों की वजह से लोगों के लिए मतदान केंद्र पहुंचकर वोट करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। बरेली के मीरगंज के सिधौली ग्राम में करोड़ों रुपए की लागत से बना ITI खंडन में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से वहाँ के छात्रों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।